हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं हूँ खारघर पेटपाड़ा मेट्रो स्टेशन के पास, और ये जो आप जगह देख रहे गाइस, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो गाइज़, ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं, बहुत ही बड़ी जगह है, जहाँ पर बनने वाला है स्पेशियस कॉरपोरेट पार्क। जी हाँ, सही सुना, जैसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, वैसे ही बेलापुर खारघर कॉम्प्लेक्स बनेगा। पेटपाड़ा मेट्रो स्टेशन से लेकर ये जो आप सामने ब्लू कलर का शेड देख रहे हो, सेंट्रल पार्क तक, इसी के जस्ट बाजू में ये सारी जगह छोड़ी गई है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं, ये पूरी जगह छोड़ी गई है दोस्तों, जिसमें सेक्टर 28, 29, 31, 32, 33 इन सारी जगहों को लिया जाएगा कॉरपोरेट पार्क बनाने के लिए, जिसके काम को अभी फास्ट ट्रैक पर डालने की बात चल रही है। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है, तो नेक्स्ट ईयर उसका एक रनवे भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत तेज़ी से दोस्तों काम चल रहा है, और उसी को देखते हुए जब तक एयरपोर्ट बनेगा, उसी के साथ साथ ये कॉरपोरेट पार्क भी बनने का काम स्टार्ट हो जाएगा और शायद कंप्लीट भी हो जाए। तो चलिए मैप के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइज, ये जैसे हम आ गए हैं मैप के थ्रू, और ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर में गाइज, जितना भी बीच की जगह दी गई है, मार्किंग की गई है, जिसमें सेक्टर 28, 29, 31, 32, 33 ये सारी जगहों को दोस्तों यहीं पर स्पेशियस कॉरपोरेट पार्क बनेगा, और जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी तो OAKM को भी इसमें लिया जाएगा। और जब ये बन जाएगा दोस्तों, तो ये इसका पूरा नक्शा बनाया गया है, जो कि काफ़ी स्पेशियस दिखने में है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा नवी मुंबई के लिए। और उसी के जस्ट अपोजिट में ये जो, जैसे मैंने आपको बताया, ये टाटा हॉस्पिटल के अपोजिट में ये जगह छोड़ी गई है, और जो मैंने आपको जगह है वो बताया, उसी के जस्ट अपोजिट में ये जगह है। तो मिला जुला के बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्पेशियस कॉरपोरेट पार्क बनने वाला है। और आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखते हो, तो खारघर वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है इन्वेस्टमेंट के लिए। और गाइज, अगर यहाँ पर आपको मैं ये भी बता देता हूँ, अगर आपको 1 BHK लेना है, तो 80-85 lakh में आपको यहाँ पर 1 BHK मिलेगा। अगर आपका बजट इतना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको एक पीसफुल प्लेस है, बहुत ही अच्छी, हर जगह ग्रीनरी और बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है दोस्तों। और उसके अलावा अगर आपका अंडर 45-50 lakh के अंडर में बजट है, तो आप तलोजा Phase 1, Phase 2 में भी देख सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी इसके नियर बाय है। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।